सो हेलो बच्चों गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, डीके गोयल जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास ट्वेल्थ वाले प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये होने वाला है उसका लास्ट लेक्चर। जी हाँ, यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसा कि मैंने इस चैप्टर में बताया था कि इस चैप्टर में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स याद रखने हैं। अब सर सारे के सारे याद रखे जाए, कैसे याद रखे जाए, तो मैंने आपसे कहा था कि आप टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे एडजस्टमेंट समझा दूंगा, बता दूंगा। तो सारे एडजस्टमेंट लेके आया हूं कि आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट प्लस करनी होती है और कौन कौन सी एडजस्टमेंट माइनस करनी होती है। एक बार प्यारे सारे सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम, प्राउड टू बी कॉमर्शियन, और आगे बढ़ेंगे बेटूस। देखो बेटा, आप जब गुडविल निकाल रहे होंगे तो गुडविल आप एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट आ जाती कभी कभी जो आपको ऐड या लेस करनी होती है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं। देखो, सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो घाटा होता है जो आप हर साल एक्सपेक्ट नहीं करते। जिस साल घाटा हुआ होगा उस साल आपने माइनस किया होगा, बट ये घाटा आप हर साल एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे कि लॉस बाय फायर, आग लग गई, सामान चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। तो इसीलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो आपको उसे क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। भाई, आपने किसी फिक्स एसेट्स को बेच दिया और बेचकर आपको घाटा हो गया, आप फिक्स एसेट्स को बेच रहे हो, ये आपके नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी नहीं होती। आप बार बार थोड़ी ना बेचोगे, उस साल बेचा था घाटा हो गया तो माइनस किया होगा, हर साल ये काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या करोगे, वापस से ऐड करोगे, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है बेटा। थर्ड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमने विंडो ड्रेसिंग करी, विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं कि अपने घर के विंडो पर हमने कपड़े टांग दिए। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है, आपको याद होगा क्लास 11 का कंसेप्ट है, जहां पर हम अपनी अकाउंटिंग की वैल्यूज को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो हमने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन कर दिया, बढ़ा दिया, या फिर क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया, अंडर वैल्यूएशन कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। और जब प्रॉफिट कम हुआ होगा, उस साल का प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो भाई ये हर साल करोगे नहीं करोगे, इस गलती को ठीक करोगे कैसे करोगे, ऐड करके। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो आप बार बार नहीं करोगे। जिस साल किया था अब बार बार तो नहीं करोगे, उस साल किया था तो माइनस हुआ होगा, ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि ये एक्सपेंस आप फ्यूचर में नहीं करते। किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, ये वाली एडजस्टमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बहुत देखने को मिलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो आप बार बार नहीं करोगे। आपने कोई कार ले ली, बाइक ले ली, मशीन ले ली, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जब आप मशीन खरीदते हो तो एंट्री क्या पास करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आपने मशीनरी की जगह परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, या ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी कि ऐसी चीज डेबिट कर दी जो रिवेन्यू नेचर की है। तो आपको अगर ऐसा हो गया है तो ठीक करने के लिए उसे ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको ये सारे आ गए हैं तो आपको लेस वाले भी समझ में आ जाएंगे, बस इसका उल्टा कर दो, है ना। उल्टा कैसे करो, यहां एबनॉर्मल लॉस है तो यहां एबनॉर्मल गेन है, उल्टा एबनॉर्मल गेन माइनस कर दो, क्योंकि ये वो फायदा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। यहां ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, यहां ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा। कोई ऐसी इनकम जो आपको बार बार नहीं मिलेगी, नॉन रिकरिंग इनकम, उस साल मिली थी तो आपने ऐड किया होगा, ठीक करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे।
इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के पार्ट नहीं है, उस साल इनकम हुई थी ऐड किया था, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। देन मैनेजमेंट कॉस्ट, जैसे कि आप रेमुनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो हर साल देना पड़ेगा। और बाकी कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस जो भविष्य में भी आपको पेड करना पड़ेगा, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब लेस होता है। ये बहुत जरूरी था आपको बताना, तो आपके भाई ने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी। अब इस चैप्टर का मेन पार्ट, और इस चैप्टर का ही नहीं, आपके कोर्स का मेन पार्ट, रीवैल्यूएशन। तो अभी फिलहाल आप जो रीवैल्यूएशन बना रहे हैं, वो बना रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, सबसे पहली बात, आपके कोई भी अकाउंट जो आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे या लॉस निकाल के देंगे, जिनके डेबिट या क्रेडिट में प्रॉफिट या लॉस आता है, ये सारे के सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। सारे के सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल नेचर का रूल हमसे क्या कहता था? सर, नॉमिनल नेचर का रूल हमसे कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यानी कि अगर घाटा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, और अगर फायदा हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। बट सर, किसका घाटा, किसने किसका काटा? रिवैल्यूएशन कौन बना रही है? फर्म बना रही है आपकी। तो फर्म को होने वाले घाटे, फर्म को होने वाले नुकसान किसका पार्ट बनेंगे? डेबिट साइड का। फर्म को होने वाले फायदे किसका पार्ट बनेंगे? क्रेडिट साइड का। सर, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आपको याद है ना, रेशियो चेंज करा था। यस सर। तो रेशियो जब चेंज करा, उस रेशियो को चेंज करने से पहले आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू को आपने रीवैल्यू करा, और अगर फायदा हो रहा है तो आप पुराने रेशियो में बांट लो, और घाटा हो रहा है तो पुराने रेशियो में बांट लो। बट कभी कभी आपको, जो आपने देखा था ना, पार्टनर डोंट वांट टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल वाला भी केस आ सकता है। बट फिलहाल सर, हम इसे कैसे बनाते हैं, देखिए। सबसे पहले इसका पापा वाला फॉर्मेट होता है, पापा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं पापा। ये डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेबिट साइड में क्या आएगा बच्चा? सर, डेबिट साइड में वो सारे एक्सपेंस आएंगे, डेबिट साइड में वो सारे लॉस आएंगे जो फर्म को हो रहा है, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आपके जो भी फायदे हैं, इनकम है आपके लिए, वो आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है? इतना समझ में आ गया कि ये साइड आपकी एक्सपेंस है और ये साइड आपकी इनकम है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये तो एक लॉजिक था जिससे आप समझ सकते हैं कि डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा। मैं दूसरे लॉजिक की बात करता हूं। आपकी संपत्ति यानी कि आपकी एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या कम हो रही है, तो आपको क्या लगता है, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर, मान लो मेरे पास ये पेन है, इसको मैं अगर अपनी एसेट्स मान रहा हूँ, और ये पेन खो गया या इसकी वैल्यू कम हो गई, घट गई, डेप्रिशिएशन लग गया, चोरी हो गई, तो मेरे लिए तो नुकसान है। यस सर, नुकसान है। अच्छा, नुकसान है सर, और मैं बना रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या मुझे इसको, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये आपके लिए एक घाटा है, एक्सपेंस के रूप में देखेंगे, और जितना कम हो रही है उतना लिखेंगे, आपकी एसेट्स की वैल्यू जितना कम हो रही है उतना लिखेंगे। बट सर, बढ़ भी तो सकती है, बढ़ भी सकती है।
अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो आपके लिए क्या है, फायदा है। और इसका क्या कायदा है सर, अगर फायदा हुआ है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाई एसेट्स इंक्रीज्ड, और जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही जाएगा, जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही जाएगा। अगर सर लायबिलिटी बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया, वो पैसा जो मुझे दूसरों को देना था और लायबिलिटी बढ़ गई, तो सर ये तो घाटा है, और घाटा है तो कहां आएगा, डेबिट साइड में, टू लायबिलिटी इंक्रीज, टू लायबिलिटी इंक्रीज कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा, राइट ओके। अगर लायबिलिटी कम हो गई तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बाई लायबिलिटीज डिक्रीज, बाय लायबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। सर मेरे पास एक एसेट्स थी जिसको मैंने सबसे छुपा के रखा था, अरे सर कुछ और बात तो नहीं कर रहा, अरे नहीं नालायक हूं मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हो, मैं एसेट्स की ही बात कर रहा हूं। मान लो आपके पास बाइक थी, बचपन में याद होगा जब मामा मामी बुआ वगैरह के लड़के आ जाते थे तो अपने कुछ खास खिलौने हम दुबका देते थे कि यार ये नालायक ले लेंगे, तोड़ ताड़ के चले जाएंगे, कुछ कह भी नहीं सकते, हमारे घर वाले हमें ही धो देंगे सर्फ एक्सल से। तो ऐसा ही मान लो आपकी कोई एसेट्स है जो आप भूल गए, बिल्कुल भूल गए, आपने उसे बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड नहीं करा, और अब अचानक से देखा अरे ये जिंदा है, देखो ये जिंदा है, ये मेरी एसेट्स जिंदा है। अगर आपको अचानक से कोई एसेट्स मिल गई जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, अब वो एसेट्स आपको मिल गई, तो पूरी की पूरी वो क्या है, अनरिकॉर्डेड है, वो पूरा का पूरा क्या है, फायदा है, और फायदा कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ऐसे ही जब हम अपने दोस्त को पैसा देते हैं तो पहली बात, दोस्त को पैसा देने का पहला नियम यही है कि आपने वो पैसा जो समझ लो कुएं में फेंक दिया, वो पैसा वापस नहीं आना। अब मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया, आप उसे बार बार पैसे मांग रहे, ए पैसा दे, ए पैसा दे, ए पैसा दे, वो कह रहा हाँ दे दूंगा, हाँ दे दूंगा, अरे दे दे, हाँ दे दूंगा, आप भी समझ गए पैसा तो मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला पैसा। अब काफी साल बाद अचानक से उसने पकड़ लिया, हम गुंडे मुंडे लेके गए, हमने पकड़ लिया उसे, हाँ भाई पैसा दे फटाफट से, पैसा देना पड़ा क्योंकि वो भूल गया था, ये भी कोई लायबिलिटी थी। ऐसे ही हमारे संग कोई केस हो गया कि हमें किसी को पैसा देना था, लेकिन वो पैसा किसी खास का था, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा, जैसे हर महीने रिचार्ज करवाने पड़ते हैं ना अलग अलग लोगों के, तभी तो बात होती है, क्यों थाना थाया नहीं थाया, तो वो भी लायबिलिटी हमारे ऊपर जिसे हम भूल गए, अब अचानक से धप्पा हो गया, अब लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी, और लायबिलिटी जब शो करोगे तो कहां है कि बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक घाटा हो गया, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपने ये बना दिया। अब सोचो ये साइड आपकी इनकम है और ये साइड आपके एक्सपेंस हैं, अगर इनकम की साइड ज्यादा है तो हमको क्या हुआ, फायदा हुआ, अगर एक्सपेंस की साइड ज्यादा है तो हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अगर इनकम की साइड ज्यादा है तो हम यहां बैलेंस करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर एक्सपेंस की साइड ज्यादा है तो यहां बैलेंस करते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब चलिए गेम खेलते हैं, ये आपके सामने पार्टनर है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और जो आपकी नई बुक है उसमें जो हेडिंग दे रखी है रिवैल्यूएशन वाली, उसका पहला ही क्वेश्चन है ये। तो देखो ए बी सी तीन पार्टनर है इन अ फर्म, रेशियो है 3:2:1, और बैलेंस शीट आपको ये दे रखी है पूरी बड़ी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। चलो सबसे पहले
रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या फॉर्मेट था बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का? सर पापा वाला फॉर्मेट था, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डिंग 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 डिंग, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब वन बाय वन मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताना। प्रीमिसेस एसेट्स होती हैं, आपका जो बिजनेस होता है उसमें चलने का जो रास्ता है वो सारी हमारी क्या है, एसेट्स है, प्रीमिसेस है। तो प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड और आई टू बी स्टॉक बाय 10%, यहां पे 10% आएगा बेटा, ये गलत है। प्रीमिसेस आपकी 10% से बड़ी है और स्टॉक बड़ा है 10,000 का। तो देखो प्रीमिसेस कितनी है, 3,00,000 की है। प्रीमिसेस कितनी है, 3,00,000 की थी। और एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना और डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना। तो एप्रिशिएट बाय 10%, यानी कि आपकी जो प्रीमिसेस थी 3,00,000 का 10%, 30,000 से बढ़ गई। तो मुझे बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर फायदा हुआ, क्योंकि तो एसेट्स हमारी बढ़ रही है। और फायदा हुआ तो कहां डालूंगा मैं, बाय प्रीमिसेस अकाउंट, कितना बेटा 30,000। और स्टॉक भी बढ़ा है तो स्टॉक भी हमारी एसेट्स है, हमारे लिए फायदा है, बाय स्टॉक। लेकिन यहां पर स्टॉक की वैल्यू दे रखी है बाय 10,000, यानी कि इतने से बढ़ गया, ठीक है, बाय, तो ये 10,000 हो गया। उसके बाद आपसे कह रहा है आ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 4%। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? आपने अपने डेटर्स को पैसा दिया या सामान बेचा उधार, डेटर कौन, जिसको आप सामान बेचते हो उधार, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत भयंकर भयंकर एग्जांपल दे रखे हैं इसके। तो आपने जब अपने सामान को बेचा उधार तो उससे पैसा आना है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है कि भाई हो सकता है ये पूरे पैसे ना दे, तो आप अपनी तरफ से कुछ प्रोविजन बनाते हो कि अगर इससे पैसा नहीं आया तो हम इन प्रोविजन में से इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, यानी कि लायबिलिटी है क्रिएट करना है, यानी बनाना है, लायबिलिटी बढ़ेगी आपके ऊपर 4%। ये डेटर हमेशा किससे बनाना है, डेटर से। प्रोविजन किससे बनेगा, डेटर से। तो डेटर है 2,50,000 का, 2,50,000 का 4% हो जाएगा 10,000 रुपए। तो ये कहां जाएगा बेटा, डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद सेंड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय ₹15। कभी कभी आप डाउट में आ जाते होंगे, सर ये सेंड्री क्या है? सेंड्री का मतलब सारे क्रेडिटर्स, आपके एक क्रेडिटर्स तो हो नहीं सकता, बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, सभी क्रेडिटर्स को कंबाइन कर दिया तो वो हो गया सेंड्री क्रेडिटर्स, बी रिड्यूस बाय 15,000। सेंड्री क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है, और 15,000 से घट गई तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा हुआ सर, कहां जाएगा 15,000 रुपए, ये जाएगा बाय क्रेडिटर्स, कितना 15,000 रुपए। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीन की वैल्यू 5% से कम हो गई। तो मशीन कितने की थी बेटा, मशीन थी 1,80,000 की, 1,80,000 का 5% हो गया 9,000, कम हुई यानी घाटा हो गया, कहां जाएगा, डेबिट साइड में, टू
मशीन 9000। तो अब अगर टोटल करोगे तो इधर का टोटल आ रहा है आपका 55,000, इधर का टोटल आ रहा है आपका 55,000 और इधर का टोटल आ रहा है 19,000। यानी 10,000 माइनस करोगे 45,000 और 9,000 माइनस करोगे तो 36,000। यानी कि आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है 36,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है बेटा? एबीसी पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। तो यहां पर एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, तीन लोग हैं, एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। तो 36,000 को, 36,000 को आपको बांटना है 3:1 में। तो यानी कि पहला तो हाफ हो गया, 18,000, 12,000 और 6,000 आ जाएगा। तो ये आपका 18,000, 12,000 और ये 6,000, यानी कि टोटल आ गया आपका 36,000। तो अब दोनों साइड कर दो बराबर 55,000। आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल आता है ये दोनों साइड आमने सामने होना चाहिए बेटा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, टोटल आप हमेशा आमने सामने ही करोगे। अब हमें बनाना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको सिंपल रूल याद रखना है बेटा, मॉडर्न अप्रोच का क्या बताया था कि अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में। तीन पार्टनर हैं, एक, दो, तीन, एक, दो, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी बेटा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आप लोग कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में। सर ओपनिंग बैलेंस का मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आपको जो भी पार्टनर्स है उनकी कैपिटल का अमाउंट दे रखा होगा, कभी कभी एसेट्स में भी दिया हो सकता है। अगर एसेट्स में दिया होगा बेटा तो वो आएगा डेबिट साइड में, और अगर लायबिलिटी में दिया है तो वो कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड में। तो यहां पर बाई बैलेंस बीडी, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, शुरुआत का बैलेंस होता है, मंथ की फर्स्ट डेट का बैलेंस होता है, उसके लिए हम बीडी यूज करते हैं। और जो लास्ट का आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, लास्ट डेट का आता है, उसके लिए सीडी यूज करते हैं। तो बेटा जी यहां पर आप देखोगे एबीसी, 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। तो 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, यहां पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको जनरल रिजर्व दे रखा है। यस सर, ये जनरल रिजर्व पर कुछ भी यूज तो हुआ नहीं है, तो इस जनरल रिजर्व को हम कहां बांट देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। कितने का जनरल रिजर्व है? 1,20,000 का जनरल रिजर्व है, और पुराने रेशियो में 3:1। तो ये आपका 60,000, 40,000 और 20,000 आ जाएगा, 60,000, 40,000 और 20,000। तो बाई जनरल रिजर्व 60,000,
40,000 और 20,000। उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था बेटा, यस सर, तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया था, 18,000, 12,000 और 6,000। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में लास्ट में दे रखी है गुडविल, कितनी दे रखी है बेटा, 48,000। गुडविल कितना दे रखा है, 48,000, यानी कि आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता था फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड कितना था बेटा, ए का ओल्ड था 3/6 और न्यू है 4/10। 3/6 माइनस 4/10, एलसीएम ले लेते हैं एक बार, 6 और 10, 2 3 6, 2 5 10, फिर अगेन 3, फिर अगेन 5, तो 2 3 ठीक है, 2 3 6 5 30, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 30 आ गया। 6 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, और 5 का वो मल्टीप्लाई 15। 10 की टेबल में 33 टाइम्स और ऊपर 3 4 12, यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है 3/30, ठीक है। बी का देखते हैं, बी का पुराना था 2/6 और नया है 3/10। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 30 है, 6 10 माइनस 10 3 3 9, 10 की टेबल में 3 बार 3 9, यानी कि ये आ रहा है आपका 1/30, कितना आ रहा है 1/30। ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है। जब सी का निकालते हैं, सी का पुराना था 1/6, नया है 3/10, एलसीएम 30, 5 1 5 माइनस 10 3 3 9, ये माइनस का 4/30 आ रहा है, यानी कि गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी जब गेन कर रहा है, तो सी गुडविल का, गुडविल कितनी है 48,000, इसका 4/30, तो 0 0 3 1 3 3 1 3 3 6 18 0 0 16 × 4, ये हो जाएगा 6,400। यानी कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी कितना पैसा देगा, 6,400, किसको देगा, ए को और बी को। तो अगर 6,400 ए का रेशियो 3:1 यानी 3/4 में अगर कर लेता हूं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 1 4 और ये आपका आ गया 600, यानी कि 4,800 रुपये मिलेंगे ए को और 1,600 रुपये मिलेंगे बी को। कौन देगा, सी देगा। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो याद करो कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको मिलता है, तो नाम तो डालेंगे बाय सीज कैपिटल, और आएगा क्रेडिट साइड में, ए को मिलेगा 4,800 और बी को मिलेंगे 1,600। ऐसे ही यहां पर नाम आएगा बाय एस कैपिटल, अमाउंट जाएगा सी में 4,800, यहां आएगा बाय बीस कैपिटल और अमाउंट जाएगा 1,600 यहां। अब हम एक बार टोटल कर लेते हैं बिट्टू अच्छे से, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं, हालांकि सीबीएसई बोर्ड में शायद नहीं है कैलकुलेटर, बट थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बिट्टू। 3,00,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000 प्लस 4,800, इधर का टोटल आएगा 3,82,800। बी का टोटल करते हैं 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 और प्लस 1,600, ये आ जाएगा 2,03,600। सी का टोटल करेंगे आप, तो 1,20,026 1,26,000 ये आ जाएगा। तो अब जब आप बैलेंस करोगे, तो यहां का तो सीधा यहां उठ के आ गया बाई बैलेंस,
सी डी 382,200, 382,800। सेकेंड वाले का भी 203,600। तीसरे वाले का माइनस करके निकालते हैं तो 126,000 माइनस 4,800 और माइनस 1,600, तो ये आ गया 119,600। और ये वैल्यू आपने यहाँ डाल दी 382,800, 203,600 और 126,000। अब बनाएंगे आपकी प्यारी बैलेंस शीट। देखो बेटा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप सिंपली क्या करोगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बेटा तो जो रिवैल्यूएशन हुआ है, जो लायबिलिटी कम हुई है या बढ़ी है, जो एसेट्स कम हुई है या बढ़ी है, बस उसे चेंज करके ही वैल्यू को आप डालेंगे। ठीक है, यहां हमारी लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, चलिए लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए अब वन बाय वन देखते हैं कि क्या था बैलेंस शीट में। सबसे पहले सैंड्री क्रेडिटर्स थे, तो आप डालोगे यहां सैंड्री क्रेडिटर्स अब सैंड्री क्रेडिटर्स जो थे वो 2,00,000 रुपए के थे बेटा, लेकिन एक एडजस्टमेंट थी क्रेडिटर्स को लेकर कि 15,000 से कम हो गए, तो 2,00,000 में से 15,000 आपने माइनस किया तो कितना बचेगा, 1,85,000। तो ये आपके सैंड्री क्रेडिटर्स 1,85,000। उसके बाद जो आपको यहां पर जनरल रिजर्व था ये तो बट गया था, कैपिटल जो है वो ये नहीं आएगी, वो कैपिटल आएगी जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस था, यानी कि ये वाला। तो अब हमारा बैलेंस कितना बचा है, कैपिटल ए बी और सी, ए का है 3,82,800, बी का है 126,000 और सी का है 119,600। यही एक बार चेक कर लेते हैं, 382, दूसरे का 2,03,000, दूसरे का है 2,03,600। चल अब बात आती है एसेट्स की, एसेट्स में चलते हैं। एसेट्स में यहाँ प्रीमिसेस था 3,00,000 का, लेकिन ये 10% से बढ़ गया था तो 3,30,000 हो जाएगा, 3,30,000। तो प्रीमिसेस 3,30,000, ठीक है। उसके बाद मशीनरी, आपकी मशीनरी, 1,80,000 की थी, 5% डेप लगा था 9,000 रुपए, यानी कितनी रह गई, 1,71,000। देन उसके बाद आपको स्टॉक दे रखा था 1,20,000 का, स्टॉक 10,000 से बढ़ गया था, यानी अब कितने का हो गया स्टॉक, 1,30,000 का। तो स्टॉक हो गया 1,30,000 का। और क्या दे रखा था आपको, डेटर्स 2,50,000 के थे, लेकिन आपने 10,000 का प्रोविजन बनाया था तो 2,40,000 के डेटर्स रह गए। यहां पर आप शो करोगे डेटर्स 2,50,000 लेस प्रोविजन 10,000, तो अमाउंट कितना आएगा बाहर, 2,40,000। और क्या था, बैंक था 20,000, तो बैंक एज इट इज आ जाएगा, बैंक 20,000। आप टोटल कर लेते हैं एक बार, 1,85,000 प्लस 382,800 प्लस 203,600 प्लस 119,600, तो इधर का आ रहा है टोटल 8,91,000।
इधर का कर लेते हैं एक बार, 330,000 प्लस 171,000 प्लस 130,000 प्लस 240,000 प्लस 20,000, इधर का भी टोटल आ रहा है 8,91,000। बैलेंस शीट मैच हो गई, फटाफट से मेरी तरह सारे के सारे दांत बाहर आ जाने चाहिए। बैलेंस शीट मैच हो गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3:2, फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट, ये दे रखा है। ओके, सिंडिकेटर्स, ये सब चीजें दे रखी हैं आपको, यहां भी दे रखा है। ओके, आपसे क्वेश्चन में कहा है रिवॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है आपको सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही समझा दूंगा। पहले मैं आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाता हूं और वहीं से मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन में कभी कभी धप्पा हो जाता है आप लोगों के साथ, आप लोगों से जर्नल एंट्री बनवाने कर दिया जाता है। ये आपका डीआर साइड और ये आपका सीआर साइड, ठीक है। पापा वाला फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, चलो बेटा। पहला कह रहा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1 लाख। डब्ल्यू क्लेम कितना आया है बेटा, 1 लाख आया है। क्या इसके लिए कोई हमने WCR बनाया था? हमने बनाया था 60,000 का, 60,000 का रिजर्व बनाया था, क्लेम आ गया 1 लाख का, यानी 40,000 ज्यादा, तो घाटा हो गया। अब घाटा हो गया तो रिवॉल्यूशन में कहां जाएगा बेटा, डेबिट साइड में, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का, 40,000 का। उसके बाद अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹30,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। 31,000 रुपए की मोटरसाइकिल पीपी पटपटिया, वो आपकी अनरिकॉर्डेड है, और जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो फायदा है, कहां जाएगा 30,000 का, सीआर साइड में। तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या मोटरसाइकिल, आप जिस भी नाम से डालना चाहें, 30,000 की है, 30,000। उसके बाद आपसे कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि एक लायबिलिटी होती है, करेंट लायबिलिटी, वर नॉट पेबल एनीमोर, यानी कि जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे वो अब पेड नहीं करने, तो मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। कितने थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 15,000 के, 15,000 के एक्सपेंसेस पेड नहीं करने, फायदा हो गया, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना बेटू, 15,000 का। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू लगा हुआ है, स्टॉक की वैल्यू 2,90,000 तक बढ़ गई, स्टॉक की वैल्यू 2,90,000 तक बढ़ गई। पहले कितनी थी सर, पहले थी 2,20,000, अब कितनी हो गई, 2,90,000, 70,000 रुपए बढ़ गई, फायदा हो गया, सीआर में आएगा, बाय स्टॉक 70,000, ठीक है। अब आपको दे रखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज बी क्रिएटेड 5%, 5% के आपको डेट पर प्रोविजन बनाना है। सैंडी डेटर्स हैं 3,20,000, 3,20,000 का 5% 16,000 होता है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहां जाते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने के, 16,000।
उसके बाद गुडविल का यहां कुछ नहीं होगा। द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वॉज असाइन, ये जो आप कर रहे हो ना इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं, यानी कि दोबारा से कम भर्ती जो भी आप करोगे, आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, ये आपका चेंज इन पीएसआर, अब ये जो कर रहा है उसके हमें 20,000 रुपए पेड करने हैं, खर्चा है, कहां जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा टू ऑडिटर्स, कितना? 20,000 रुपए। अब टोटल कर लेते हैं, यहां 70, 30 और 15, 1,15,000, 1,15,000 और यहां 40 और 20, 60, ठीक है 60 चले गए और 10, 70 और 76, यानी 2,415, 39,000 आएगा आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या फिर गेन ऑन रिवैल्यूएशन। इस 39,000 को आप लोग जितने पार्टनर हैं उन पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट लेंगे, पीक्यूआर को पुराने रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। बट सर इसमें बोला था जर्नल एंट्री भी करनी है। देखो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, आप जर्नल एंट्री किसकी कर रहे हो? रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन में जो चीज डेबिट में गई है रिवैल्यूएशन को भी डेबिट में डालोगे, और रिवैल्यूएशन में जो चीज क्रेडिट में गई है रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में डालोगे। मतलब सर यहां की देखो एंट्री कैसे होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 16,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑडिटर 20,000। यहां की एंट्री कैसे पास करोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यानी आप जिसकी एंट्री पास कर रहे हो उसके अकाउंट में जो चीज डेबिट जाती है उस नाम को भी आपको डेबिट में डालना है, और अगर क्रेडिट में जाती है उस नाम को भी आपको क्रेडिट में डालना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन तीन पार्टनर हैं, ये आपको चीजें दे रखी हैं, ये चीजें दे रखी हैं, ये भी आपको दे रखा है, लेकिन यहां आपसे देखो बहुत अच्छी बात कही है, क्या कही है, पार्टनर्स एग्री डेट अल्टर वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। यानी कि आप जिस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे नहीं बनेगा, जनरल रिजर्व नहीं बटेगा, यानी ये सिर्फ दो चीजें होंगी, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई पार्टनर्स कैपिटल का ड्रामा नहीं। तो देखो इसमें सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन में पता लगाएंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो पहले सारे प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, यानी कि जो चीज सीआर में जाती है, और सारे लॉस को माइनस कर देंगे जो चीज डीआर में जाती है, फिर फाइंड आउट करते हैं फायदा हुआ या नुकसान। फर्नीचर बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, फर्नीचर को उसकी वैल्यू का 80% पर लेके चलना, यानी 20% कम हो गई, किसी चीज की 100% वैल्यू होती है 20% कम हो गई तो डेप लग गया एक तरीके से। फर्नीचर 60,000 का है, 20% कितना हो गया, 20% कितना हो गया, 12,000 हो गया, तो इसको मैं जरा साइड में रखता हूं, लॉस है ये। स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक 20% से बढ़ गया, स्टॉक कहां है 3 लाख, 3 लाख का 20% कितना होगा 60,000, तो प्रॉफिट ऑन स्टॉक 60,000, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई 4 लाख, पहले थी 4,20,000, ये भी घाटा हो गया, इसे अभी मैं फिलहाल यहां रख लेता हूं। उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फॉर ₹10,000, ये भी घाटा है, इसे भी मैं अभी यहां रख लेता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय ₹3,000, ये भी घाटा है 3,000 का, इसे भी मैं यहां रख लेता हूं, यानी एक ही प्रॉफिट है बाकी सब लॉस है, तो वो लॉस किस पे हुआ था, ये लॉस 12,000 का फर्नीचर पर, तो बाय लॉस ऑन फर्नीचर 12,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो माइनस लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000। उसके बाद लॉस ऑन प्रोविजन
माइनस लॉस ऑन प्रोविजन 10,000 का और माइनस लॉस ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 का। तो ये आपका 12 और 3 15 35 45 45,000 का लॉस है, 60,000 का प्रॉफिट है, यानी अभी भी 15,000 का क्या है, प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में जनरल रिजर्व कितना है, 75,000 का। इस प्रॉफिट में जनरल रिजर्व को जोड़ेंगे कितना आ गया, 75,000, यानी टोटल कितना हो गया, 90,000। अब क्या करेंगे आप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जो गेन करेगा उसका इस रेशियो में, जैसे गुडविल वाला केस में होता था वैसे ही करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल बनेगा नहीं, बैलेंस शीट सेम ऐसी की ऐसी आ जाएगी, बस जिसने गेन किया है उसमें से माइनस करना है और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसमें प्लस करना है, पूरा क्वेश्चन हो जाए। तो बेटा जी ये था आपका चैप्टर चेंज इन पीएसआर। नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी आपकी जिंदगी में कोई नया मेहमान आएगा। तब तक आपके दो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बस बताइएगा कि कैसा भयंकर बवाल मच रहा है या नहीं मच रहा है भाई साहब, क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए होमवर्क ये है कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपको रिवेल्यूशन वाले करने हैं, जिसमें रिवेल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना हो। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू, वंदे मातरम बच्चा लोग, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।